नमस्कार दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता वेलकम करता हूं आज आप सबको अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं सेक्शन 194Q एंड 206C1H। ये TDS और TCS में बड़ा लोचा हो रहा है, इस बार कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस इकट्ठे कोलैबोरेट हो गए हैं और जिनको समझ में आ भी गया था लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर आए थे सेक्शंस, जिनको समझ आ भी गया था वो फिर कन्फ्यूज़ हो गए ऑडिट के टाइम पे, प्रेशर के टाइम पे। तो उसी चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। सबसे पहली बात तो बेसिक समझते हैं। TDS हमेशा परचेज पे है, TCS सेल पे है। जहां पे गवर्नमेंट सेलर को भी पकड़ना चाहती है वहां पे गवर्नमेंट TCS लगा देती है, जहां पे परचेजर को पकड़ना चाहती है वहां पे परचेजर को लगा देती है। ठीक है दोस्तों, पहली बात तो ये। अब ये सेक्शंस क्या कहते हैं? ये कहते हैं अगर आपका टर्नओवर अप्रैल 2020 से मार्च 2021, मैं पहले एक सेक्शन की बात कर रहा हूँ क्योंकि एक सेक्शन उससे भी पहले साल से एप्लीकेबल हो गया था। अगर आपका पिछले साल में टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो आपके ऊपर ये दोनों सेक्शन लगेंगे। मतलब आप किसी इंडिविजुअल पार्टी से 50 लाख रुपए से ऊपर का माल खरीदते हो या 50 लाख रुपए का माल बेचते हो, मैंने माल बोला है नॉट सर्विसेज, गुड्स। सर्विस के ऊपर अलग सेक्शंस में TDS ऑलरेडी एप्लीकेबल है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। गुड्स, जहां पे गुड्स इन्वॉल्व होंगे हम पहली बात तो वहां बात कर रहे हैं, नॉट ऑन सर्विसेज। ठीक है दोस्तों, तो पहली बात तो गुड्स और सर्विस में आप कन्फ्यूज ना होए, पहले पकड़िए गुड्स। तो गुड्स के अंदर अगर मैंने मेरा टर्नओवर 31 मार्च 21 में 10 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा था और मैंने किसी इंडिविजुअल पार्टी से 50 लाख की परचेज की है या इंडिविजुअल पार्टी से 50 लाख की सेल करी है तो मुझे उसका 0.1% TDS ऑन परचेज या TCS ऑन सेल्स काटना है। सेम रेट, दोनों में रेट सेम है। अब मैंने किसी पार्टी के साथ 75 लाख की ट्रांजैक्शन करी और मेरा टर्नओवर था 10 करोड़ रुपए, सपोज मैंने परचेज करी है, तो TDS कटेगा 75 माइनस 50, 25 लाख पे। क्यों? 50 लाख रुपए का गवर्नमेंट कहती है एडहॉक लिमिट है, 50 लाख तक कोई ना TDS काटना है ना TCS काटना है। तो आइए, मैंने अभी आपको शॉर्ट में समझाया, आज हम इसको डिटेल में करते हैं। 194Q, परचेजर विल डिडक्ट TDS ऑफ सेलर ऑफ गुड्स। पहली बात तो परचेजर हम हैं, पहली बात तो अपने ऊपर एप्लीकेबल करो आप सेक्शन। मैं परचेजर हूं, मैंने 50 लाख का माल खरीदा और मेरा टर्नओवर पिछले साल में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा था। अगर मेरा टर्नओवर अप्रैल 21 से मार्च 22 में 10 करोड़ रुपए उससे ज्यादा है तो मैं अगले साल TDS काटूंगा अप्रैल 22 से, मतलब 1 अप्रैल 22 से TDS काटूंगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, TDS के लिए साल पुराना देखना है कि क्या 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर मेरा पिछले साल में था या नहीं। अगर 10 करोड़ रुपए था पिछले साल में तो अगले साल से TDS काटना है। अगर मेरा फर्स्ट ईयर है बिजनेस का और मेरा टर्नओवर पहुंच गया सपोज 11 करोड़, सपोज मैंने 1 अप्रैल 2021 को काम शुरू किया और 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 में मेरा टर्नओवर हो गया 11 करोड़, तो मेरे को पिछले साल में जाके TDS नहीं काटना। दोस्तों कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज हो गए हैं कि पहली बार मेरा क्लाइंट का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ऊपर गया तो मुझे उसी साल में TDS काटना है, तो नहीं दोस्तों, आपको 1 अप्रैल 22 से TDS काटना है, तो आपकी वो नॉन कंप्लायंस नहीं है। इसी तरीके से सेल के ऊपर, सेलर विल डिडक्ट TCS ऑफ परचेजर ऑफ गुड्स, जिससे माल खरीदा है उसका TCS काटूंगा। अब ये तो डबल काम हो गया यार, जब मैं बेच रहा हूं तब भी TDS काट रहा हूं, जब मैं खरीद रहा हूं तब भी TDS काट रहा हूं, ये हो क्या रहा है? तो इसी चीज़ की कन्फ्यूजन मार्केट में हो गई है, इसी चीज़ को हम क्लियर करने के लिए यहाँ पे आज आपके लिए वीडियो लाए हैं। 194Q जैसे मैंने बताया ये टैक्स डिडक्टेड होगा, 206C ये कलेक्टेड होगा। हु इज रिस्पॉन्सिबल 194Q में? जब मेरा खर्चा है तो बायर, 206C में मेरी सेल है तो सेलर। वेन एप्लीकेबल, अगर मेरा टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। अब इसके अंदर एक और बवाल, सर GST इंक्लूड करना है कि नहीं करना 10 करोड़ की लिमिट को काउंट करने के लिए? तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, दिस इज एक्सक्लूडिंग GST, टर्नओवर इज ऑलवेज एक्सक्लूडिंग GST दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, टर्नओवर के अंदर कभी भी जीएसटी इंक्लूड नहीं होता। प्रॉफिट एंड लॉस को अपने माइंड में लिया करो, ना कि टोटल सेल्स इंक्लूडिंग जीएसटी। सेल्स मेरी टर्नओवर होती है, टर्नओवर मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस में रिफ्लेक्ट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस में विदाउट जीएसटी मेरी फिगर्स रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है जी, एग्रीगेट परचेज ऑफ गुड्स ऑफ एक्सीडिंग 50 लाख इन प्रीवियस ईयर द वैल्यू ऑफ गुड्स शुड बी इंक्लूडिंग जीएसटी। अबे यार ये तो इंक्लूडिंग जीएसटी आ गया, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है। अगर आपने एग्रीगेट परचेज किया है गुड्स का और गुड्स की वैल्यू के अंदर जीएसटी इंक्लूड करके वो 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो भी आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है। फर्ज कीजिए 18% जीएसटी है, परचेज 40 लाख है, 18% जीएसटी लगा के नहीं होगा, 45 लाख रुपए परचेज है, 18% जीएसटी लगा के वो 50 लाख से ऊपर हो गया, टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आ गई और हम 40 लाख देख रहे हैं। तो परचेज वैल्यू देखनी है दोस्तों, नॉट बेसिक। यहाँ पे है असली झोल, दिस इज रियल झोल। ठीक है दोस्तों, 206C में क्या है, टर्नओवर रिसीट्स ऑफ सेलर शुड एक्सीड 10 करोड़। ठीक है जी, पिछले साल में 10 करोड़ रुपए, सेम वही है। सेल कंसिडरेशन रिसीव्ड एक्सीड्स रुपीज 50 लाख इन प्रीवियस ईयर द वैल्यू ऑफ गुड्स इंक्लूड्स जीएसटी। जो हमारे पास सेल कंसिडरेशन रिसीव्ड है, एग्रीगेट परचेज है, ये दोस्तों ध्यान से देखने वाली चीज है। यहां पे अपने को जो 50 लाख वाली लिमिट है, मैंने ये नहीं बोला टीडीएस किस पे काटना है ना, मैंने ये बोला लिमिट को काउंट कैसे करना है 50 लाख वाली, कि क्या मेरे ऊपर सेक्शन एप्लीकेबल है या नहीं है। तो 50 लाख की लिमिट को काउंट करने के लिए मुझे जीएसटी इंक्लूड करके चलना पड़ेगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, किस डेट से ये सेक्शंस एप्लीकेबल हुए हैं, 1 जुलाई 2021, 1 अक्टूबर 2020, यानी कि ये तो 31 मार्च 21 में भी लोगों ने कंप्लायंस करी होगी, सेलर के लिए टीडीएस आ गया था। ये दोस्तों किया क्यों, इतना कंफ्यूजिंग वाला माहौल किया क्यों? गवर्नमेंट चाहती है कि 10 करोड़ से ऊपर वाले टर्नओवर वाले बंदों से या तो टीडीएस कटवाना है या टीसीएस कटवाना है। 10 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वाले बंदों को गवर्नमेंट ने अब तो ई इनवॉइसिंग भी अप्लीकेबल कर दी है 1 अक्टूबर से, तो 10 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वालों को दोनों तरफ से गवर्नमेंट पकड़ के रखना चाहती है। ठीक है दोस्तों, व्हेन पेमेंट और क्रेडिट एट द टाइम ऑफ रिसीट, जब पैसे आ जाएं, जब पेमेंट हो जाए, इनवॉइस से कोई लेना देना नहीं है, इनवॉइस कटा है डज नॉट मैटर एट ऑल, पेमेंट आई के नहीं, पेमेंट रिसीव करी के नहीं। अच्छा जी, एडवांस पेमेंट कर दी, तो भैया देखो पेमेंट पे बात करी थी मैंने कि पेमेंट पे टीडीएस काटना है, अब एडवांस पेमेंट पे टीडीएस शैल बी डेटेड ऑन एडवांस पेमेंट्स मेड। तो दोस्तों सीधी सी बात है, अगर आपने एडवांस पेमेंट कर दी, बिल नहीं कटा, तो भैया एडवांस पेमेंट पे टीडीएस कटेगा और टीडीएस शैल बी कलेक्टेड ऑन एडवांस रिसीट्स। अगर एडवांस आया है तो उसके ऊपर भी टीसीएस आपको कलेक्ट करना है, यहाँ पे टीसीएस होगा, गलती से टीडीएस लिख दिया है। रेट 0.1%, ये दोस्तों कोरोना के टाइम पे गवर्नमेंट ने कुछ छूट दी थी। अगर सामने वाला अपना पैन कार्ड नहीं देता, जिससे मैंने माल खरीदा या जिसको मैंने माल बेचा वो अपना पैन कार्ड नहीं देता, तो ये आपके टीडीएस के रेट रहेंगे। मैंने माल खरीदा था सामने वाले बंदे से, अनरजिस्टर्ड बंदा है, वो अपना पैन नंबर नहीं दे रहा, तो 5% टीडीएस काट दूंगा, 1% टीसीएस काट दूंगा। कटेगा किसके ऊपर, सपोज मैंने 75 लाख का माल परचेज किया, 10 करोड़ से ऊपर मेरा टर्नओवर था 31 मार्च 21 में, मैंने उस बंदे से माल खरीदा 75 लाख रुपए, 194Q में 75 लाख पे टीडीएस कटेगा या 75 माइनस 50 पे? तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख है दोनों ही सेक्शन में, मतलब 50 लाख रुपए की एडहॉक एग्जम्पशन मान लीजिए आप कि 50 लाख रुपए हो गया, अब जितनी भी आप ट्रांजेक्शन्स करेंगे उसके ऊपर टीडीएस या टीसीएस कटेगा, तो 50 लाख की लमसम छूट दे दी गवर्नमेंट ने। किस किस चीज़ों के ऊपर नहीं है एप्लीकेबल, अगर आपका टीडीएस किसी और सेक्शन में कट रहा है, अब मान लीजिए सेलर का भी टीडीएस, सेलर की भी टर्नओवर 10 करोड़ है, परचेजर की भी टीडीएस 10 करोड़ है, कौन काटेगा टीडीएस? इनकी तो दोनों की लायबिलिटी बन रही है टीडीएस, तो दोनों काटेंगे क्या? तो गवर्नमेंट ने कहा आंसर इज नो, गवर्नमेंट ने कहा परचेजर की लायबिलिटी प्राइमरी है, 194Q की लायबिलिटी प्राइमरी है, पहले 194Q की एप्लीकेबिलिटी देखो, अगर 194Q में टीडीएस नहीं कट पा रहा है तो फिर 206C1H इसमें काट दो भैया, टीसीएस पे सेलर। ठीक है दोस्तों,
इसमें यही चीज है। अगर आपका किसी और सेक्शन में टीडीएस कट रहा है तो गवर्नमेंट कह रही है उसमें काटो, अदरवाइज पहले 194Q में और बाद में 206C में। एक्सक्लूजन, अगर आप किसी से भी परचेज कर रहे हो इसमें कोई एक्सक्लूजन नहीं है। इफ बायर इज, अगर आपका बायर है इंपोर्टर ऑफ गुड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड एम्बेसी, हाई कमीशन, तो इस सेक्शन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कोई TCS नहीं कटेगा। दोनों में ही टाइम चाहिए दोस्तों, कोई ऑनलाइन वाला प्रोसेस नहीं है। जैसे प्रॉपर्टी के अंदर हम ऑनलाइन जाते हैं सीधा और चलान जमा करा देते हैं, तो ऐसा प्रोसेस नहीं है। व्हेन डिपॉजिट टू बी मेड, दोस्तों वही सारे रूल्स हैं, 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अप्रैल का 7 मई, मई का 7 जून और 31 मार्च का, जो मार्च का महीना है उसका 30 अप्रैल आई गेस, तो वही डेट्स हैं, 7th ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ। क्वार्टरली स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड, वही 26Q है इसकी, तो क्योंकि परचेज वाला ही है ये, एक्सपेंडिचर्स वाला ही, नॉर्मल अपना जो 26Q जाता है, 24Q अपना सैलरी का होता है, 27EQ जो है वो TCS का आपका फॉर्म है, 27EQ में ये जाएगा। सर्टिफिकेट कौन सा मिलेगा जी, 16A और फॉर्म 27D। TCS के अंदर फॉर्म 27D मिलता है दोस्तों, कुछ दोस्तों को इसकी कन्फ्यूजन थी। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेगा मेरे हिसाब से। बायर का टर्नओवर है 5 करोड़, सेलर का टर्नओवर है 10 करोड़, ट्रांजैक्शन वैल्यू है पूरे साल में 75 लाख रुपए। अब ये टर्नओवर, पहली बात तो मैं कौन से साल की बात कर रहा हूँ, अप्रैल 21 से मार्च 22 या अप्रैल 20 से मार्च 21। दोस्तों ये टर्नओवर है अप्रैल 20 से मार्च 21, क्योंकि हमें टर्नओवर पिछले साल में देखने हैं। करंट ईयर में टर्नओवर बढ़ भी गया हो तो TDS और TCS की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, तो ये अप्रैल 20 से मार्च 21 के टर्नओवर होने चाहिए। अप्रैल 20 से मार्च 21 में अगर ये टर्नओवर है और ट्रांजैक्शन वैल्यू 75 लाख है, फर्स्ट लायबिलिटी तो है परचेजर की, भाई परचेजर का तो टर्नओवर ही 10 करोड़ नहीं है, तो फिर सेकेंडरी लायबिलिटी सेलर की है, तो सेलर काटेगा कितने पे काटेगा, 75 - 50 की एडहॉक एग्जम्पशन 25 लाख पे 0.1%, मेरे हिसाब से 2500 रुपये। सेकेंड 15 करोड़ टर्नओवर, सेलर का 2 करोड़ टर्नओवर, 56 लाख की ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट हुई हैं। पहली लायबिलिटी बायर की 15 करोड़ टर्नओवर, बिल्कुल जी बायर की लायबिलिटी क्वांटिफाई हो गई, 56 - 50 6 लाख पे 0.1%, 600 रुपये आई गेस। अब बायर का टर्नओवर 25 करोड़, सेलर का टर्नओवर 25 करोड़, दोनों का 25-25 करोड़ टर्नओवर, अब क्या करें भाई, ट्रांजैक्शन वैल्यू 1 करोड़ दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन प्राइमरी लायबिलिटी बायर की तो 194Q एप्लीकेबल, 1 करोड़ माइनस 50 लाख के डॉग एग्जम्पशन, 50 लाख के ऊपर 0.1%। अब आ जाते हैं अगले पे, बायर का टर्नओवर 25 करोड़, सेलर का टर्नओवर 25 करोड़, ट्रांजैक्शन वैल्यू 45 लाख। अब कुछ बंदों को लगता होगा यार इतने बड़े बड़े टर्नओवर है तो काट ही देते हैं TDS, तो दोस्तों इस पे नॉट एप्लीकेबल है। व्हाई नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ट्रांजैक्शन वैल्यू 45 लाख से कम है। अगला क्वेश्चन, अमाउंट शुड बी इंक्लूडिंग GST, 50 लाख की वैल्यू को इंक्लूडिंग GST काउंट करना है, तो दिस वैल्यू शुड बी इंक्लूडिंग GST, हो सकता है इंक्लूडिंग GST एक्सक्लूडिंग GST से ही फर्क पड़ जाए, तो ये चीज़ प्लीज़ नोट कीजिएगा। अगले में 5 करोड़ 5 करोड़, दोनों का ही टर्नओवर 5-5 करोड़ है, ट्रांजैक्शन वैल्यू 60 लाख है, कोई TDS नहीं कटेगा, क्यों ना TCS कटेगा, क्यों, क्योंकि टर्नओवर का क्राइटेरिया 10 करोड़ रुपए है, वो नहीं भूलना हमें, तो 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर सबसे पहले देखना है, बायर एंड सेलर का टर्नओवर कितना कितना है। अब देखिए मैं अगर बायर हूं तो मुझे सेलर का टर्नओवर नहीं पता होगा, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, सबसे पहले अपने क्लाइंट का देखो जी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है कि नहीं है, अगर 10 करोड़ से नीचे है मारो गोली, सेक्शन सी एप्लीकेबल नहीं है। 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है अप्रैल 21 से मार्च 22 में, सॉरी अप्रैल 20 से मार्च 21 में, तो पिछले साल में ये सेक्शंस लगते हैं आपके ऊपर। अब दोस्तों हमारा चल रहा है सितंबर 2022, तो हम क्या देखेंगे, अगर सितंबर 22 में मेरे को TDS काटना है या नहीं काटना, तो मैं देखूंगा अप्रैल 21 से मार्च 22 का टर्नओवर। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार समराइज कर देता हूं इसको। सबसे पहले अपने क्लाइंट का टर्नओवर देखिए, 10 करोड़ से ऊपर है या 10 करोड़ से नीचे है, अगर 10 करोड़ से नीचे है कोई सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है मारो गोली, अगर 10 करोड़ रुपए से ऊपर है
तो भैया मुझे जिस जिस पार्टी के साथ मैंने 50 लाख की ट्रांजेक्शन की है, सेल और परचेज दोनों का TDS काटना है 0.1%। अब दोस्तों एडवांस पेमेंट के अच्छा अभी TDS या TCS काटना किसके ऊपर है दोस्तों? काटना तो है बेसिक पे, कैलकुलेशन के लिए वो 50 लाख रुपए उसमें कैलकुलेट कर रहा है इंक्लूडिंग GST। देखिए क्या है, TDS और TCS जो कटेंगे वो कटेंगे बेसिक अमाउंट पे, लेकिन जब आप एडवांस पेमेंट देंगे तो कटेंगे पूरे पे। क्यों? क्योंकि एडवांस पेमेंट में मैं अलग अलग नहीं कर सकता, मैं अलग अलग नहीं पता मुझे कितना GST का कंपोनेंट है और कितना बेसिक कंपोनेंट है। तो क्या है दोस्तों, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है ये सेक्शंस को फॉलो करते हुए, अपने क्लाइंट्स की बुक्स को चेक करते हुए, और आगे के लिए भी ये सेक्शंस की एप्लीकेबिलिटी है। तो आप टर्नओवर पिछले साल का देखेंगे, क्या आपने 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर किया है कि नहीं किया। अगर मेरा फर्स्ट ईयर है, मैंने 10 करोड़ से ऊपर टर्नओवर भी किया है, तो भी मेरे ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होते, अगले साल से मेरे ऊपर ये सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। जय हिंद दोस्तों।